इस वीडियो में आज हम सीसीटीवी कैमरा, जिसको क्लोज सर्किट कैमरा या सर्वेलेंस कैमरा भी कहते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरास की हम कस्टम ड्यूटी डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स जो ड्यूटी का है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और प्लस इसकी कस्टम वैल्यू क्या चल रही है, जिसको वैल्यूएशन रूलिंग भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और पाकिस्तान कस्टम्स डॉट नेट के यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद। सो दोस्तों, इस वीडियो को आगे हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ 9000 रुपये में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं, और ये साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री देंगे। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी हो तो आप इनको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, चलते हैं हम आज के इस वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा जो है उसका जो एचएस कोड है, जो एचएस कोड यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, तो दोस्तों एचएस कोड होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की जो होती है वो आइडेंटिटी होती है। इस एचएस कोड की मदद से ही, इस एचएस कोड के अकॉर्डिंग ही सारी ड्यूटी वगैरह जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है। वरना जो सिस्टम जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो यूज़ हो रहा है कस्टम क्लियरेंस के लिए, वो विवोक है, तो उस सिस्टम को कैसे पता कि आप क्या इम्पोर्ट कर रहे होते हो? तो वो दोस्तों यही एचएस कोड्स होते हैं जो उनको बता रहे होते हैं कि क्या प्रोडक्ट है आपका। तो सीसीटीवी कैमरास जो होता है, जिसको सीसीटीवी कैमरास जो हैं उसका जो एचएस कोड है दोस्तों, वो ये है 8525.8010। तो दोस्तों सारी ड्यूटी जो टैक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली जब आप सिस्टम जो कैलकुलेट करता है वो इसी एचएस कोड की मदद से सारी ड्यूटी टैक्सेस वो कैलकुलेट कर देता है। सो एचएस कोड बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो हमने ये भी देखा है बहुत सारे इम्पोर्टर्स जो हैं वो जानबूझ के एचएस कोड जो है वो गलत लिखते हैं, क्योंकि एचएस कोड चेंज करने से ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है वो ही पूरा चेंज हो जाता है। तो वो जानबूझ के ऐसे मिलते जुलते प्रोडक्ट से अपने वो ऐसे एचएस कोड सेलेक्ट कर लेते हैं जो इनसे मिलते जुलते होते हैं, जिनमें ड्यूटी जो होती है वो कम होती है, तो वो जानबूझकर इस तरह से वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों इससे कोई करने का फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये आपकी जो जीडी जो है वो अप्रेसमेंट लेवल में जाके ऑफिसर्स हैं वो चेक करते हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो आपको पेनल्टी भी करेंगे, और जो आपने एचएस कोड डाला है वो हटाकर जो उसका करेक्ट एचएस कोड है वो डालकर जो ड्यूटी जो रिमेनिंग बाकी होगी वो आपको मजीद वो पेनल्टी के साथ वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो एचएस कोड है सही एचएस कोड होगा वो वही एचएस कोड आप डालें तो वही बेहतर होता है। इसमें आपका टाइम भी बच जाता है और पेनल्टी से भी बच सकते हो जो आपके ऊपर चार्जेस वो लगा देते हैं एज अ पेनल्टी। सो दोस्तों इस एचएस कोड के अगेंस्ट जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रहा है वो दोस्तों कुछ इस तरह से है, नोट कीजिएगा कि कस्टम ड्यूटी जो है वो 11% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है, और सेल्स टैक्स 17% है, एडिशनल सेल्स टैक्स जो है वो 3% है, और इनकम टैक्स अगर आप फाइलर हो एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो 6% होगी, और अगर आप नॉन फाइलर हो नहीं फाइल करते हो तो 9% इनकम टैक्स आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये वो ड्यूटी टैक्सेस हैं आपको पे करने होंगे यहाँ पर, जो अगर आप पाकिस्तान के अंदर सीसीटीवी कैमराज इम्पोर्ट करना चाह रहे हो तो। सो दोस्तों ये जो परसेंटेज है ये कस्टम वैल्यू के ऊपर लग रही होती है। काफ़ी दोस्तों ने हमसे ये पूछा कि ये परसेंटेज आपने शो की हुई ये किसकी है। जो कस्टम वैल्यू जो होती है, जो भी आपके प्रोडक्ट की जितनी आप क्वांटिटी मंगवा रहे हो, जो क्वांटिटी पीसेस में भी हो सकती है और केजीज में भी, और ये डिपेंड करता है आपके एचएस कोड के ऊपर। ये आपका एचएस कोड की जो मेजरमेंट है वो किस में है, इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर ये ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट वो केजी के अंदर होता है, तो फर्ज करें अगर आप ये एचएस कोड भी केजी में है तो जितने आप मंगवा रहे हो उसका वेट क्या है, वेट जो होगा वो, और उससे जो है वो कस्टम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और उस कस्टम वैल्यू उसके परसेंटेज निकाल के ये कस्टम वैल्यू निकाली जा सकती है। हमने एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, इसके नीचे भी ये रेफरेंस भी दिया हुआ है कि आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से कैसे अपनी ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। इसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों ड्यूटी टैक्सेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशन की और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। सीसीटीवी इम्पोर्ट करने पर कुछ कंडीशन भी हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें रिक्वायर्ड होंगे जो कलेक्ट हमें करने होंगे इम्पोर्ट करने से पहले।
सो दोस्तों यहाँ पर कुछ तीन कंडीशन है। सो सबसे पहली जो कंडीशन है जो सर्वेलेंस कैमरा और क्लोज सर्किट टीवी कैमराज है ये इम्पोर्टेबल है, यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है इज इम्पोर्टेबल सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस एंड इम्पोर्टेबल बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज फॉर इंस्टॉलेशन एट वर्क प्लेसेस। मतलब कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसको इम्पोर्ट कर सकती हैं या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज होती हैं वो इसको इम्पोर्ट कर सकती हैं लेकिन सिर्फ वर्क प्लेस पे इंस्टॉलेशन करने के लिए। मतलब जैसे अब हमारा इदारा है हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने ही इदारे के अंदर लगाने के लिए। इसी तरीके से दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको एनओसी लेनी होगी पेमरा से। अगर आप इम्पोर्ट करना चाहें तो आपको एनओसी लेनी होगी पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा से इसकी एनओसी लेनी होगी। ये भी एक लाजमी कंडीशन है, ये एनओसी आपको पेमरा से लेनी होगी अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो। और तीसरी जो इसके ऊपर जो कंडीशन है वो ये है कि ये सेकेंड हैंड कंडीशन में, सेकेंड हैंड यूज कंडीशन में ये इम्पोर्टेबल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ न्यू कंडीशन में इसको इम्पोर्ट कर सकते हो बस। सो अब हम वैल्यूएशन रूलिंग डिस्कस करते हैं सीसीटीवी कैमराज की। तो दोस्तों सीसीटीवी कैमराज का वैल्यूएशन रूलिंग जो है वो 6-1 है और ये 2013 में सेट की गई थी सबकी। तो सीसीटीवी कैमराज जो हैं विदाउट एक्सेसरीज अटैचमेंट के बगैर सीसीटीवी कैमराज जो हैं और अननोन ब्रांड की जो वैल्यू है अगर चाइना और हांगकॉन्ग से आप मंगवाते हो तो $6 पर पीस है। और दोस्तों ये जो वैल्यू है ये कस्टम वैल्यू है, आप यहाँ देख सकते हो ये कस्टम वैल्यू है CNF, ये कस्टम वैल्यू है और इस वैल्यू के ऊपर ही सारी ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। फर्ज करें आप 100 पीसेस मंगवा रहे हो तो ये $6 100 पीसेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी उस टोटल वैल्यू पे सारी ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। इसी तरीके से अगर आप ताइवान और कोरिया से मंगवा रहे हो अननोन ब्रांड से ब्राउन का जो सीसीटीवी कैमरा है तो वो $10 पर पीस आएगा, उसकी वैल्यू $10 पर पीस होगी। तो दोस्तों ये अब देख रहे हो कि ये सेम चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरा है अननोन ब्रांड है सेम चीज़ है लेकिन तो वैल्यू में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है। तो दोस्तों फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना और हांगकॉन्ग में ये चीज़ सस्ती है और यही चीज़ अगर आप ताइवान और कोरिया से मंगवाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ महंगी है। तो ये जो है वो सब इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ये सारी प्राइसेस सेट की जाती है कि उस मुल्क में इसकी इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरा जो है वो सोनी सैमसंग और शार्प ब्रांड के जो सीसीटीवी कैमरा जैसे यहाँ पे अननोन ब्रांड था यहाँ पे तीन ब्रांड है सोनी सैमसंग एंड शार्प, इन तीनों ब्रांड के सीसीटीवी कैमरा अगर आप चाइना से मंगवाते हो तो उसकी प्राइस जो है वो $20 पर पीस से पड़ेगी। अगर आप ताइवान और कोरिया से मंगवाते हो तो $30 पर पीस इसकी वैल्यू पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मिनी कैमराज जो आते हैं अननोन ब्रांड छोटे कैमरे जो आते होते हैं वो अगर वो आप मंगवा रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है वो $2 पर पीस पड़ेगा चाइना और हांगकॉन्ग से। सो दोस्तों ये इसकी कस्टम वैल्यूज थी, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया और कुछ भी मजीद पूछना हो हमसे तो आप हमसे पूछ सकते हो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जो ऊपर बना हुआ है उसको भी आप दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।